अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वीरा मजीद। मेरे यूट्यूब चैनल वेली कुड़ी मिलकर आप लोग खराफियत होंगे, अपने घरों में खुशनुमा होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इन्हीं प्यार से दुआओं के साथ करते हैं आज के बहुत प्यारे व्लॉग का आगाज। तो पहली बात ये कि मेरी तरफ से आपको ईद मिलादुन्नबी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज के मुबारक दिन के सदके आपकी ज़िंदगी यूँ ही खुशियों से गुजरे जितना मुबारक दिन आज गया है, जितना खुशियों भरा दिन आज का है, हमेशा पूरा साल ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ यूँ ही बरकरार रहे। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटो, पोतियों, पोतो, नवासियों, नवासों, भतीजियों, भतीजो, अल्लाह पाक सबके पाक परवरदिगार सबको खुशियाँ दे। अल्लाह पाक इस महीने के सदके बीमारों को शिफा दे, रिहाई दे, अल्लाह पाक पे औलादों को औलाद दे, और अल्लाह पाक से दुआ करना कि मेरे जुनेद को भी औलाद से नवाज दे, मेरे दानिश को और मेरी हीरा को सेहत याबी अता, हमारे मामा पापा हमारे सिर पे हमेशा कायम दायम रहे। आमीन सुमा आमीन। तस्वीर मोहम्मद अरबी दी रब आप बना के तकदारिया सोने दी सोनी सूरत नू रब आप बना के तकदारिया तस्वीर मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी नाना नानी दादा दादी पुपियां खाले खाले खाला खाले ईद की खाले खाले हाँ खाले ईद की खाले कुर्बानी की खाले सब ठीक ठाक। हाँ सब ठीक ठाक है। हाँ बस इतना सी है। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा मेहंदी दिखाए सारे हाथ आगे करें मामा भाई, ये बड़ी सबके हाथ छुपा लिए, कम बहुत किस्म की मेहंदी आई, क्या बताऊं मैं आपको। हम मेहंदी लेने के लिए गए, तीन चार किस्म की मेहंदी लगी है, पर मेहंदी का कलर ही कोई नहीं आ रहा, पता नहीं कैसी अजीब सी मेहंदी आई है। अच्छा जी तो मैं क्या कहना चाह रही थी, हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो ठीक है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या बाहर हो रहा है, कैसी सजावट हुई है पिछले साल के मुताबिक, इस साल ज़्यादा अच्छी है या पिछले साल ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं बाहर जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग भी साथ साथ स्टार्ट कर लेती हूँ, अपने व्यूवर्स को भी दिखाती हूँ कि आज हम क्या क्या करने लगे। ठीक है आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहना, आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहना, उसके साथ हम अपने शूज भी दिखाते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स तो हम बाहर जाके मिलते हैं, ठीक है इसके साथ हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ओके खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये गली जो हमारे पापा जी की गली है, यहाँ हमारे पापा जी का घर है, मतलब कि हमारे दादू का घर है। तो ये देखिए माशाल्लाह से गली बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पे डेकोरेट की है, मतलब कि सभी बच्चों ने मिल के बहुत प्यारी डेकोरेशन की है, अप्रिशिएट तो करना बनता है भाई, माशाल्लाह से मेहनत बहुत ज़्यादा की है बच्चों ने। ये देखिए डीजे लाइटिंग, अच्छा डीजे लाइटिंग से आप मुतासिर हैं मुझे ये भी बताइएगा। डीजे लाइटिंग से ना पता है क्या, शक्ल पीली नीली अजीब सी आने लग जाती है, कोई सेल्फी कोई किसी काम की नहीं आती, जहाँ हम सोचते हैं भाई सेल्फी बेहतर आएगी, ये देखें भाई मुंह नीला पीला लाल गुलाबी होता जा रहा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी तो ना नीला पीला लाल गुलाबी हो जाता है मुँह, बड़ा अजीब सा लगता है। और ये देखें हर घर हर गली हर मोहल्ला चमचमारा। अस्सलाम वालेकुम जी, तो ये देखिए बड़ी मेहनत की गई है। अच्छा आपने ये भी बताना है मुझे कि भाई आपकी गली ज़्यादा बेहतर लग रही थी या आपके पड़ोसियों की गली ज़्यादा बेहतर लग रही थी, आपके शहरों में कैसी कैसी डेकोरेट रही है। माशाल्लाह से भाई हमारा उकाड़ा भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जहाँ जहाँ मैं एक्सप्लोर कर सकी, जहाँ जहाँ मैं जा सकी वहाँ वहाँ मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए गली क्लास जी, तो देखें भाई बच्चों ने कहीं भी कसर नहीं छोड़ी, दिल लगा के मेहनत की है, सारी बात होती है दिल की, दिल होना चाहिए तो हम कुछ भी हो चाहे कोई मिट्टी भी हो हम उसे भी सजा ही लेते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें बड़ा खूबसूरत सा सजाया हुआ ऐसे, ये जो होती है रिबन की होती हैं पनिए सी, पनिए मतलब टिश्यू पेपर होता है उसकी पनिया बनी होती है, इससे देखें बहुत ही बड़ा प्यारा सा डेकोरेट किया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, पतंगे बैलून और ये पनिया वगैरह बहुत प्यारा लग रहा है। ओहो आशकाने रसूल माशाल्लाह ज़बरदस्त जोशो खरोश, चेक करें भाई ज़बरदस्त बहुत
ही बहुत ही मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे कि आप ही की आवाज़ आ रही है, बाकी और कोई नहीं आवाज़ आ रही, गूंगा डांस हो रहा है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कॉपीराइट इशू आ जाता होता है ना, सारी बात तो ये है कि कॉपीराइट इशू आ जाता है, तो इसलिए हम बाकी का शोर आपको सुना नहीं सकते। जगह जगह बूफर्स वगैरह डेक्स वगैरह लगे हुए हैं, तो अब हम किसी को थोड़ी कह सकते भाई हम व्लॉग बना रहे हैं तो आप अपने डेक बंद करें बार बार, तो भाई ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि हम वीडियोस बनाएंगे प्रॉपरली, हम अपने अपनी यूट्यूब फैमिली को तो दिखाना ही दिखाना है ना, तो हम वॉइस ओवर करेंगे इस पर। तो ये मेरा आइडिया कैसा था ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, तो आप ही आपको साथ साथ गाइड भी करती रहेगी, मैं कहाँ गई हूँ, ये क्या जगह है, ये किस तरह क्या, मैं आपको सब बताती रहूँगी, ठीक है। तो वीडियोज़ तो मैंने बनानी थी, वीडियो मैंने बना ली है कि मैं किस किस जगह पर गई हूँ, जहाँ जहाँ मैं जा सकी वहाँ वहाँ का मैंने आपको बता दिया। तो ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से हल्ला गुल्ला हो रहा है, आशिकान रसूल हैं, ठीक है, तो माशाल्लाह से बहुत दिल से खुशियाँ मना रहे हैं, अच्छी बात है भाई, ज़िंदा दिल होना चाहिए इंसान को। ये देखें ये आई थिंक फ्रेश पत्ते हैं, हाँ जी ये फ्रेश पत्ते हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, दूर से देखने में आर्टिफिशियल लग रहा है। ओ माशाल्लाह सुभानअल्लाह सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मदिन। तो ये देखें बहुत खूबसूरती से सजाया गया, वो भी दिखाएं था जुनीद भाई कह रहे हैं, माशाल्लाह खाना काबा उम्र देख ज़रा उसको, बहुत खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत। ये देखें ये अंकल जी, ये अपनी आशिकी जता रहे हैं, ये अपना दिल बता रहे हैं, ये कितने आशिक रसूल हैं, माशाल्लाह हर कोई मोहब्बत करता है भाई, अल्लाह पाक सबकी मोहब्बत को कबूल व मंजूर अता फरमाए और सभी की परेशानियों को इस मुबारक रोज़ के सदके दूर करें। मेरे बच्चे, मेरे ककड़े, मेरी जान, पप्पों के गुर्जे फेफड़े बस हुए छू के, ये देखिए मेरी पहाड़ियाँ कैसी लग रही हैं, मुझे भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी एक बात है ना, सब लोग इनको मुड़ मुड़ के लाजमी देख रहे हैं, इनकी सेल्फियाँ बना रहे हैं, इनको मुड़ मुड़ के लाजमी देख रहे हैं, मेरे बच्चे बड़े खूबसूरत है भाई, बोर्ड पा रहे हैं, आज के दिन सबके बच्चे इतने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत 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 खूबसूरत लग रहे हैं, चमकीले कपड़े, प्यारी प्यारे से मतलब कि पोनियाँ शोनियाँ ज्वेलरी शुटरी बहुत प्यारे लग रही है। देखिए ये भी गली बहुत प्यारी सजी हुई है। आई थिंक आपने एक मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा, पुराना मोहल्ला पुरानी यादें, ये वो मोहल्ला है जिसको हम छोड़ के खैर बात कह के आ चुके, पहले हम इस मोहल्ले में रहा करते थे, तो ये मोहल्ला वो है ना जी। अच्छा लग रहा है ना बताना आपने मुझे भाई, यहाँ पर आके मुझे बड़ी गुड्डू सी वाई वाई आ रही है। अच्छा जी ये देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ यहाँ पे कैसी कैसी डेकोरेट हुई हुई है, बहुत 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 खूबसूरत लग रहा है। ये बैलून मतलब यहाँ पे ज़्यादा बैलून और ना पर्दे लगे हुए हैं, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है भाई। मैं कह रही हूँ ना, जिस जिसकी जितनी जितनी हैसियत, उसने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत ज़्यादा किया है भाई, अल्लाह पाक कबूल व मंजूर अता फरमाए। माशाल्लाह इसी अपनी टोरिया आवे, एक टोरी आँधी है आवे, लून ला आँधी चकरा चा, मैंने लग दी। ये देखो कुछ ना कुछ ये करना चाह रही है, किसी ना किसी साजिश में लग रही है, आपको लग रहा है ना, मुझे व्यूवर्स कमेंट में ज़रूर बताएं किसी साजिश में लग रही है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा ये सारे अपने ना टीन पांडे वो मतलब के सॉरी बीवी बच्चे लेके गए हैं, उनको सैर व तफरी करवाने के लिए, बहुत अच्छी बात है भी, अपने बीवी बच्चों को टाइम देना चाहिए, अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। ये बैलून चुक ले, जल्दी से उठा ले, छोड़, शर्म नहीं आ रही, पूरे क्राउड में इसकी हिम्मत चेक करो भाई, ये गमला उठा ले, ये फूल निकाल ले, बल्कि इसमें से निकाल निकाल जल्दी निकाल ले, इतना बड़ा गमला हद होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इसको उठाइए, हल्का होगा शायद, नहीं उठाया जा रहा, कोई हाल नहीं तेरा। अच्छा जी आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं। अच्छा ये बलून ना, शर्म कर, चल आगे चल चल। अच्छा तो ये देखें भाई माशाल्लाह से, मेरे काके जो अभी तक वहीं पे बैठे हैं, फूफो शाजू के जाए गुड भाई। अच्छा मेरे काके जो यहीं पे बैठे हैं, वही शाजू के फूफा, चलो भाई घर चलते हैं, गर्मी भी हो रही, चलो 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 चलो। जी तो व्यूवर्स माशाल्लाह खूबसूरती और लुक चेक करें, ज़बरदस्त। जैसे कि मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जिसको अल्लाह पाक ने जितनी हैसियत दी, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक बढ़ के करने की कोशिश करी, और ये देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आगे आगे जैसे जाए जाएंगे इसकी खूबसूरती माशाल्लाह से बढ़ती जाएगी। आशिकाने रसूल है, अपनी तरफ से किसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, जितना करना चाहते। वो देखो सेल्फी ही बन रही है भाई, मेरा तो कोई कुछ भी नहीं है, इनकी सेल्फी ले लो। ओ अच्छा जी ये देखें बहुत प्यारी डेकोरेशन की गई है। हाँ ये बाज़ार ही है, ये कोई गली नहीं है, देखिए आपको शटर्स वगैरह दिख रहे होंगे, ये गली नहीं है, ये बाज़ार ही है। तो ये बाज़ार के भाइयों ने मिल के मुझे लग रहा है की गई है डेकोरेट, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। आगे 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 रश भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा रश है। ओह
गर्मी भी बहुत ज़्यादा, रश तो है, आ रही हूँ, सबर कर जा, अक्की अक्की रुकी जी, पता नहीं की मसला नो। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड कम है, यहाँ पे थोड़ा सा खुला, जल्दी चलें जल्दी चलें जल्दी चलें जल्दी चलें, चल 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 चल। ओ देखो भाई, वो पीछे देखो व्यूअर्स आ गए भाई, फुप्पी की तो कोई भी नहीं है वैल्यू, इनकी बड़ी वैल्यू है भाई, मेरे को सेल्फी बनाए ना बनाए, इनसे सेल्फी बनाने आ जाते, देख तेरी बेटी तस्वीरें बनवाती फिर ये मेरे से बड़ी स्टार है, बह जा, इतनी बड़ी स्टार रहती नहीं, कहते मेरी बेटी मेरे से बड़ी स्टार है, तेरे से ज़्यादा बड़ी स्टार है, क्या बात है। अच्छा जी, ये देखें भाई शुअर, ओ सॉरी शावर, बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, ये देखें इतना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, स्नो है इसके बीच में, ये झाग बनाए हुआ है सिंह डाल के। जुनेद भाई, और सुन लो जुनेद भाई, ऐसा करो आपसे मुँह धो लो। अच्छा अच्छा जी, आप देखें ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। जुनेद भाई आगे से दिखाएं इसे, हाँ वेट थोड़े से ज़्यादा है। अच्छा ये देखें माशाल्लाह, गुंबद खिज़्र और खाना काबा बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जुनेद भाई दिखाएं ज़रा, मैं भी इसके साथ आना चाहती हूँ, मुझे भी इनके साथ एक्सप्लोर करें अल्लाह पाक, ताकि मुझे भी यहाँ जाने की शहादत नसीब कबूल अता फ़रमाए, और साथ साथ जो मेरे व्यूअर्स हैं अल्लाह पाक उन्हें भी ये शहादत कबूल नसीब अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाह पाक सभी को अपना घर देखने की शहादत नसीब अता फ़रमाए। चलो भाई चलो जल्दी, हाँ जी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, वो टिक जो बह जाओ भुप्पो जी बगैर ही टूरी फिर जेने सोचे सोचे जे, चलो 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 जल्दी चलो, नीचे ऊपर देख के चलना पड़ा है, कितने हम ठेडा खा के गिरे पड़े हूँ, ऐसा करो अपने बच्चों को इसमें नहला दो, ओई ओई शादी की भुप्पो शादी की ओई, चलो 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 चलो। ओह अल्लाह भाई गुड है, बहुत प्यारी सजावट हुई, बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई है, मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को लाजमी, ये जाली उतार लो भाई आपके काम आएगी सब्जियां वगैरह बांधने के। अच्छा चलो 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 चलो, ये देखें ये लाइटिंग हुई हुई है, आगे ये नेट का काम हुआ हुआ है, और देन आगे बलून लगे हुए हैं गोल्डन ब्लैक, भाई गोल्डन ब्लैक कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वबारक वसल्लम वसल्लि अलैह। जी तो देखें हर जगह बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, इतना ना ज़्यादा इस साल ना क्राउड नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि गर्मी कुछ ज़्यादा है, और दूसरी बात ये कि ना आजकल लोगों की मतलब के हालात बहुत डाउन हो गए बिजली के बिलों की वजह से, कि सब बेचारों की चीखें निकल गए, क्या कर सकते हैं, अल्लाह पाक आने वाले साल में इससे भी ज़्यादा रौनक दे और सबको इससे ज़्यादा शहादत दे कि वो इससे भी ज़्यादा डेकोरेट कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी काके बहुत प्यारी लग रही है भाई, भुप्पो शाजू की माशाल्लाह माशाल्लाह, काके 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 छोटे से बचूड़े। जी तो व्यूअर्स देखिए आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि हमारा उकाड़ा कैसा लग रहा है, और आपके शहरों में कैसी डेकोरेट थी, पिछले साल जैसी थी या पिछले सालों के मुताबिक इस साल कुछ कम थी, आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो और आपको हमारा उकाड़ा कैसा लगा, माशाल्लाह सामने वाली बिल्डिंग देखिए बड़ी खूबसूरत लग रही है। ओए 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 गिल गया था सॉरी 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 गुप्पो सॉरी कर दिया आपसे मेरा बचूड़ा। उफ अल्लाह भाई जुनेद भाई को पता नहीं क्या कैमरा पता नहीं कहाँ जाई जा रहा है। लो भाई और ये देखिए सामने वाली बिल्डिंग मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, ब्रिक ब्रिक से लाइटें लगी बहुत खूबसूरत लग रही है, ये देखिए डेकोरेट बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जी थोड़ी बहुत रश है, कहीं कहीं रश है, इतनी ज़्यादा कोई रश नहीं जैसे कि बहुत ज़्यादा रश हो, इतनी कोई ज़्यादा रश नहीं है। तो सामने मामा वेट कर रही हैं भाई चलो घर, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, बाकी बस अब दें चलते हैं घर की जानिब, क्योंकि अब हिम्मत जवाब दे चुकी है, गर्मी गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है। शुक्र लाल अल्हम्दुलिल्लाह घर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं पर माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। दिखाने का मतलब ये था कि पिछले साल जितनी डेकोरेट थी माशाल्लाह डेकोरेट तो अभी है, पिछले साल जिस तरह गुज़िश्ता सालों होती थी बहुत ज़्यादा जोश खरोश होता था, बहुत ज़्यादा सजावट होती थी, पर इस दफ़ा लोगों को बिजली के बिलों ने खा लिया, महंगाई ने खा लिया, सब्जियों ने खा लिया। वो मैं बता रही हूँ चुप कर तू। अच्छा जी तो इस वजह से मैं दिखाने गई थी जो जो जगहें थी, पर उतनी सजावट नहीं थी हमारे साथ जितना गुज़िश्ता सालों होती रही है, पर आने वाले साल में अल्लाह पाक सबको इतनी तौफीक दे कि अपनी हैसियत से बढ़ के हर कोई कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली,
अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे और अल्लाह ताला ढेरों खुशियों से नवाजे। हाँ जी आमीन सुम्मा आमीन। मैं तो सलाम करके गई थी। अच्छा आप मेकअप करके गई थी, आप कजला लगा के गई थी, आप लिपस्टिक लगा के गई थी, ये फुल 16 सिंगार करके गई। अब कहाँ गई? मैं अपने ससुराल गई थी, मेरा बनता था। अच्छा तो अब कहाँ गया बनता तो था? क्या वो पसीना इतना ज्यादा आया, सारा रूड़ खुड़ गया। हाँ जी इतनी शदीद गर्मी, कोई अल्लाह माफ करे, पर बस दिखाना बनता था। मैंने अपने व्यूवर्स को बोला था कि मैं दिखाऊंगी, आप लोगों ने बताना है कि आपको सारी डेकोरेट कैसी लगी। और दूसरी बात हाँ कि मैंने अब वॉइस ओवर करी है सब जगह पे, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता होता है, जगह जगह डेक चल रहे थे, नाते चल रहे, स्पीकर वगैरह चल रहे। अब देखें हम किसी को तो नहीं ना बोल सकते, वह भी हमने अपना व्लॉग बनाना तो आप थोड़ी देर के लिए रोक दें, ठीक है, अब हम किसी को नहीं कह सकते, हम खुद एहतियात कर सकते। तो वो प्लीज़ वॉइस ओवर किया है मैंने इस चीज़ का, माइंड मत कीजिएगा, ठीक है, पर मैंने दिखाया आपको प्रॉपरली सब कुछ है, जहाँ जहाँ मैं गई, जो जो की या जो जो की एक्टिविटीज़, जहाँ जहाँ मैं जा सकती थी आसानी से, वो मैंने आपको दिखाया है ना पापा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। आपको कैसा लगा सारा कुछ निज़ाम के साथ? नहीं आपको बाहर से सुनाई तो पड़ रहे ना जो लोग गुजर रहे हैं, तो बच्चे हल्ला गुल्ला करते जा रहे हैं। ये बताओ कि मेरे पापा आज काम पे, मेरे नहीं बच्चों के पापा काम पे गए थे, थक गए थे, आके खाना खा के नहा के उन्होंने जरा सा रेस्ट किया, हम चले गए। अच्छा ये ना आज के दिन मैं छुट्टी करता हूँ, लेकिन किसी मेरा रेगुलर व्यूअर था, वो कस्टमर तो उनका काम करना जरूरी था, क्योंकि उनके वो कुछ ऐसे इशू थे कि उन्होंने कल जरूरी था, तो इसलिए मैंने जाना पड़ा। हालांकि आप ये ना समझिए क्योंकि पापा को तो कहीं लेके ही नहीं गए, ये खुद तैयार चूर हो गए, सारा कुछ कर लिया। पापा जी आपके कपड़े प्रेस थे, लेकिन मैं बाजार में से आया हूँ, मैंने सब कुछ देख लिया था। देख लिया था नहीं, आप बताए ना आपके कपड़े रेडी थे? हाँ जी रेडी थे, सारा कुछ रेडी था, आपने खाना खा लिया था, बट आपको थकावट हो रही थी इस वजह से नहीं गए, है ना। सारी बात ये है कि भाई व्यूअर सोचे आप बुढ़ी देती हैं, ते नू तैयार हो गई, ते बंदे नू काई नहीं लेके गई हैं, वाइट भी सोनी लगदी हुण, नहीं हुण नहीं सोनी लगदी पई, मैं पूरा तैयार जूर करके लेके गई सी, मैं प्लकिंग भी कीती सुख नाल, बालां च कलर भी कीता, सारा कुछ कीता, पर पहला बहुत सोनी लगन दे सी, हुण कोई नहीं सोनी लगन दे, मैं अपने मियां को सोनी लग रही, बस बहुत है मेरे इतना ही काफी है। सभी गए थे विद आउट मी। हां जी तो बच्चे कुछ आप सब कुछ पूरा एक गुलदस्ता ही था, सब कुछ बहुत 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 अच्छा थी, इसने मगा मजा नहीं आया, शाख शाख मुड यानी कि जो बड़ा टैनी बता दी भैया आपको, टैनी तो ये है, जरा मजा नहीं आया बस। वीवर आपको बाहर कुछ सुनाई पड़ रहा होगा चूचा? हाँ जी। अच्छा जी नहीं चुप कर, नहीं कैसा लगा आपको? मैं कह रही हूँ आपको बाहर का माहौल कैसा लगा? ठीक ठाक ही लगा है, बस ठीक ठाक लगा। व्यूअर्स आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा तो व्यूअर्स आपको मेरी आज की, हाँ ये तो है, हाँ जी। तो व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो आपको पसंद है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे, हम एक दूसरे से बार बार मिलते रहे, इसके साथ दीजिए हम सबको इजाजत, मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफि।